ये अच्छी चीज नहीं है 5 मिनट। और हम आपको बताएं, इस रील को फैलाने के लिए इन्होंने कितने रुपए का प्रमोशन लगाया होगा, हमारा जो अंदाजा है लाखों रुपए इन्होंने फूंक दिए इस शिवानी को बदनाम करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। कल मैंने पायल मलिक जी का एक वीडियो देखा है जिसमें वो शिवानी की छवि खराब करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में क्या मामला है और क्या पूरी हकीकत है, पूरी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो पायल मलिक जी ने डाली है। तो गाइस पहले ये वाली वीडियो देखो। जब गए थे ना इनके घर पे तो भाभी ऐसे करी थी, ए खाना डाल दे इसको। शिवानी कुमारी बिग बॉस के हाउस में अपनी फ्रेंड्स के साथ में ये कहती हुई नजर आती हैं कि जब मैं अरमान भाई या पायल मलिक के जी के घर पे गई थी तो हमसे इन्होंने बोला था कि एक खाना डाल दे इसको, तो वो शिवानी को अच्छा नहीं लगा। बेशक सी बात है, अगर कोई ऐसे बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये वाली वीडियो देखो जो कि इसने अपने चैनल पे डाली हुई है। भूख लगी हमें, ये आलू गोभी के पराठे हैं। तो गाइस ये देखो ये कितना गिर सकती है। अब पायल मलिक जी ने इसको झूठ साबित करने की कोशिश की है और वो शिवानी के व्लॉग से वो क्लिप्स इन्होंने निकाल के डाली हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि हमने खाना बहुत अच्छे से दिया था और जब शिवानी कुमारी आई तो हम बहुत अच्छे से मिले थे, जैसा कि आपने इस रील्स में दिखाया है। तो इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। अब आप लोग ये क्लिप देखिए। अरे खाना दो ना इसको। और इस क्लिप में ये क्या कहती नजर आ रही ना, अरे खाना देना इसको। क्या अरमान मलिक जी की शादी थी और शिवानी कुमारी को इनवाइट किया गया था, ठीक है, उसमें हम भी गए थे। लगभग 24 से 30 घंटे के बीच में हम लोग वहां पर रुके थे इनके घर पर। अगले दिन शादी के अगले दिन 3:30 की ट्रेन थी वहां से, और 3:03 पर जब शिवानी वहां से निकल रही थी तो शिवानी बोलती भाभी हम जा रहे हैं। तो पायल मलिक जी के ये शब्द थे, अरे खाना देना इसको, 3:30 की ट्रेन है हमारी, अरे खाना दो ना इसको। ये तो आपने क्लिप देखी, अब आप इनकी वीडियो में ये देखिए। देखा कि मेरी बहन ने इसको खाना डाल के दिया, ठीक है कि हमारी बहन ने खाना डाला था। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने शिवानी की बात एक्सेप्ट की है, यानी खाना डालने की वहां पर बात हुई है जो पायल जी ने एक्सेप्ट की है कि हमारी बहन ने खाना डाला। हमारे क्षेत्र में कुत्तों को बोला जाता है इसको रोटी डाल दो, है इसको कुत्ते को खाना डाल दो, है कोई गेस्ट होता है, कोई इंसान होता है उसके लिए बोला जाता है भैया को खाना लगा दो, दीदी को खाना लगा दो, भूखे हैं खाना दे दो, खाना परोस दो, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि शिवानी ने जो खाना डालने वाली बात कही जो शिवानी को बुरी लगी वो पायल जी ने इसी रील्स में एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी बहन ने खाना डाल दिया। तो हम लोग जानवर तो है नहीं। अब ये बताइए, हम लोग भिखारी तो थे नहीं कि शिवानी भिखारी है तो अरे खाना देना इसको बोल दिया। हम लोग तो भाई हमारे संस्कार ऐसे, हम लोग तो भिखारियों को भी ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज, क्या बिना निमंत्रण के आए थे, इनविटेशन था। अब अगर आप लोग बताइए, जो जनता देख रही आप लोग बताइए कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उसको कैसे खाना देते हैं, या तो ऐसे कहते भैया रुको खाना खाते जाइए, ठीक है, या तो मम्मी और चाची बहन से बोल देते दीदी जरा खाना लगा दो भैया जा रहे हैं, मम्मी से बोले मम्मी भैया जा रहे हैं खाना लगा दो, दीदी जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे शब्द होते हैं। पायल मलिक जी क्या कहती हैं, अरे खाना देना इसको। चलिए हो सकता है शादी की वजह से आपके पास टाइम ना हो तो आप दूसरे से कह दो, लेकिन आप ये भी तो कह सकती थी शिवानी जा रहे उसको जरा खाना लगवा दो। भाई यही शब्द हैं, यही मुंह है, यही शब्दों का खेल है। आप किसी को बाढ़ भी मार सकते हो और फूल भी बरसा सकते हो, ठीक है। अब शिवानी ने जब बिग बॉस हाउस में अपने फ्रेंड्स के सामने चर्चा की तो आपने इसको इतना ज्यादा मैटर बना दिया, बिल्कुल शिवानी को निगेटिव बना दिया है। ये अच्छी चीज नहीं है पायल मलिक जी। और हम आपको बताएं, इस रील को फैलाने के लिए इन्होंने कितने रुपए का प्रमोशन लगाया होगा, हमारा जो अंदाजा है लाखों रुपए इन्होंने फूंक दिए इस शिवानी को बदनाम करने के लिए। और हम पायल मलिक जी बताइए, आपने वो दो क्लिप्स तो चला दी जिसमें आपकी बहन खाना दे रही है, आप उनसे मिल रही हैं, लेकिन आपने ये क्लिप क्यों नहीं चलाई जिसमें आप ये कहती हुई नजर आ रही है अरे खाना देना इसको। जब से पायल मलिक जी आप घर से निकली हैं आपने तो कसम खा ली है कि शिवानी को बस बदनाम ही करना है। आप 3 दिन में 3 रील डाल चुके हैं शिवानी के खिलाफ। अरे क्या उस बच्ची ने ले लिया आपका, आपके पास तो सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, पैसा है, गाड़ी है, क्या नहीं आपके पास है। लेकिन प्लीज शिवानी बहुत मेहनत से यहां तक आई है, 4 साल की कड़ी तपस्या है, मेहनत की तो बात छोड़िए, तब यूट्यूब पर लोगों का मान सम्मान प्यार मिल रहा है। तो किसी लड़की को ऐसे बदनाम मत करो। शिवानी ने कुछ भी आपके खिलाफ गलत नहीं बोला। अगर आपको लग रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
क्योंकि आप शिवानी को बदनाम करने का वीडियो बनाने के बाद लाखों रुपए का प्रमोशन उस वीडियो में लगा देती हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये जनता है, हम जितना हो सकता है इनके पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं कि हम लाखों रुपए अपने इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, शिवानी को अच्छा दिखाने के लिए हम खर्च कर सके, नहीं हमारे पास। और पैसे से ज्यादा शिवानी ने सम्मान कमाया है। आपको हम चैलेंज देते हैं, शिवानी के यहाँ लोग आते हैं, 60-60 साल के उम्र के बुजुर्ग आते हैं, शिवानी के पैर छूते मैडम, ना वो यूट्यूबर होते ना वो इंस्टाग्रामर होते, 60 साल के बुजुर्ग होते, शिवानी के पैर छूते, आशीर्वाद देते, सर पे हाथ। जिस दिन आप ये कमा लेंगे ना मैडम पायल जी, जिस दिन आप ये कमा लेंगे उस दिन आपको कहेंगे आप अमीर हो गई हैं। हम लोग अमीर हैं, मान सम्मान के अमीर हैं, इज्जत के अमीर हैं। आज आइए आप यूपी के गांवों में आइए, लोगों ने देखना शुरू कर दिया बिग बॉस, जो बिग बॉस जानते नहीं थे। जिस दिन ये कमा लेंगे ना उस दिन आपको मान जाएंगे। ये छोटी हरकतें आपके ऊपर शोभा नहीं देती हैं। एक ऐसी बच्ची को आप लोग बदनाम कर रहे हैं जिसने इतना ज्यादा संघर्ष किया, बेचारी कहां से उठ के कहां तक गई है, आप लाखों रुपए खर्च करके उसको बदनाम कर रही हैं। हाँ आप अपनी जगह पे ठीक है, आपको घमंड है पैसों का ना, कि ये पैसे इनके तो गांव देहात के, इनको कैसे भी बोल दो, खराब हम लोगों को भी लगता है मैडम। गांव के हुए देहात के हुए कम पैसा है, इज्जत तो है, प्रेम से बोलोगे हम भी प्रेम से बोलेंगे। शिवानी कभी आपने देखा है आपको भाभी बोलती है, भैया बोलते हैं? आप अगर इतने नीचे गिर जाओगे तो आप किस बात के इन्फ्लुएंसर। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इस वीडियो प्रमोशन लगा के मिलियंस ऑफ व्यूज उठा लें। आप लोगों का धर्म बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें।